पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको भारतीय समाजवादी पार्टी से जो टिकट मिला मुगरा विधानसभा से, तो मेरा पहला प्रश्न ये है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव मुगरा बादशाहपुर की सीट से टिकट देने में इतना टाइम क्यों लगा है? पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो आपने कहा प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सॉरी जी। अब देखिए, वो एक पार्टी की रणनीति है और रणनीति के तहत काम चल रहा है, और आप देखेंगे पूरे प्रदेश में लगभग इसी तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ है। ये मुगरा के लिए कोई नई बात नहीं है। अब मुगरा के अलावा आप देखेंगे कि जौनपुर सदर, जफराबाद और मछली शहर का टिकट भी उसी दिन फाइनल हुआ है। आपको टिकट मिलने से पहले किसी अन्य को टिकट मिला था, फिर क्यों उनका टिकट कट गया? नहीं, टिकट हमको मिला था तो वो गुमराह कर ले गए, या पार्टी का जो भी नेतृत्व ने उनको टिकट फिर दे दिया, फिर बाद में पार्टी ने बुला के हमको टिकट दिया और उनका कैंसिलेशन फॉर्म भी हमने लगा दिया था और कल हमारा पर्चा वैध हो गया, उनका अवैध हो गया। आप मुगरा बादशाहपुर में कितने मतदान प्राप्त करके जीत हासिल करेंगे? अब एग्जैक्ट आंकड़ा तो हम नहीं बता सकते, लेकिन यह है कि हम लोग 1.5 लाख पार का आंकड़ा लेके चल रहे हैं। 5 सालों में मुगरा बादशाहपुर के जो जनता है वो बहुत ही अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। ना तो यहाँ पर कोई विधायक काम किया, ना तो यहाँ कोई सांसद। तो आने वाली अभी अगर आप जीत जाते हैं तो आपका सबसे पहला कार्य क्या रहेगा? देखिए, हम लोग का सबसे पहला काम जनता की जो प्राथमिकता रहेगी, जनता जो चाहेगी पहले काम कराना वो करेंगे, बाकी स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, पानी, बिजली मुख्य प्राथमिकता में रहेगा। आपके खिलाफ बीजेपी के चहेते नेता अजय शंकर दुबे, आपके बारे में आपको उनका क्या कहना है आपका? अब ये उनका क्या कहना है ये तो आप लोग बताइए। नहीं, वो आपके बहुत ही एंटी रहते हैं, तो क्या लगता है इस बार उनको कितनी वोट मिलेंगी? पहले तो वो दल बदल नेता है जी, वो पहले कांग्रेस में थे, अभी जस्ट बीजेपी में ज्वाइन किए हैं और बीजेपी के लोग उनसे संतुष्ट नहीं है, उनका बहुत ज्यादा विरोध है और जनता उनको समझ चुकी है, वो एक चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव लड़ने के बाद वो क्षेत्र से गायब। उनके खिलाफ तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ कि आपको, आप पत्रकार हैं, आप सही चीज दिखाएंगी, और अगर उनको नहीं चाहिए तो उनको देखिए हर समाज के लोग नकार चुके हैं, क्योंकि वो पिछली बार चुनाव लड़े थे 2017 में, उसके बाद वो जनता के बीच दिखे नहीं है और जनता उनको पूरी तरह से नकार चुकी है, इसलिए वो ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं। धन्यवाद।